मतलब सीख करके सिखाने वाले लोग बहुत हो गए, और मोदी केयर में बहुत होता है। कोई भी इंसान जो मोदी केयर में आता है वो अच्छे अच्छे लीडर के पास बैठता है, अच्छे अच्छे बुक्स के एसोसिएशन में रहता है, उसको इंफॉर्मेशन होती है, फिर उसको नॉलेज हो जाती है, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, फिर उसको सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है। इतने में ही उसका नेटवर्क बन जाता है। अब वो क्या करता है, उसको इतना सारा चीजें मालूम हो गई, वो सीधे जाकर के अपने ग्रुप को ये टीचिंग देना शुरू कर देता है। और एक मेन कंपोनेंट कि वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना भूल जाता है। और होता क्या है, जब भी कोई एडवर्स कंडीशन आती है, जब भी कोई अजीब सी सडन चेंज आता है लाइफ में, कुछ भी एडवर्स कंडीशन आती है, उस समय पे पोल पट्टी खुल जाती है कि अगर सब कुछ जानने के बाद भी आप रिएक्टिव ही रह गए तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी कि आपने जो सीखा उसको अपने ऊपर लागू नहीं किया। बिना अपने ऊपर लागू किए हुए आप बहुत एक्साइटमेंट से आप दूसरों को सिखाने चले गए। मोस्ट ऑफ द टाइम यही नेटवर्क में होता है। आप इसे इसे समझिए, जब आप सिखाना शुरू करेंगे लोग तालियां बजाएंगे, आपको थैंक यू बोलेंगे। नहीं, जो आप सिखा रहे हैं वही आप बने, क्योंकि सिचुएशन लोगों के साथ आएंगी तो आपके साथ भी आएंगी, और जब सिचुएशन आएंगी और उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आप रिएक्टिव हो जाएंगे, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने प्रोएक्टिव होना सीखा लेकिन आपने खुद इंप्लीमेंट नहीं किया, और आप रह गए वही रिएक्टिव। जैसे कि तो कहते हैं, टू नो एंड नॉट टू डू, जानना लेकिन करना नहीं, बराबर नहीं जानना। लेकिन लोग हीरोपंती करते हैं, वो जानते हैं, सीख लेते हैं, करते नहीं है, तुरंत दूसरों को ज्ञान देना चालू और सिखाना चालू कर देते हैं। इससे परहेज करिएगा, अपनी भद्दबत कराइएगा, पोल पट्टी खुल जाएगी और बड़ी जगहशाही होगी आपकी। इसीलिए ये पहला टॉपिक है प्रोएक्टिव होना। इसका एक दूसरी कहानी सुनाता हूं मैं, दो कहानी सुनाऊंगा फिर आपसे कहानियां सुनूंगा कि मैंने जो दो कहानियां बताई वो क्या है। अभी दो, एक रेस्टोरेंट का सीन है। एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खा रहे, और तभी अचानक एक लेडीज को ऐसा आभास होता है कि कहीं से एक कॉकरोच उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पे बैठ गया। अब जैसे कॉकरोच आया उसके कंधे पे बैठा, उसको एहसास हुआ, वो चिल्लाने लगी, भयानक रूप से चिल्लाने लगी, इतनी जोर से, मतलब मेज पलट दी, खाना पलट दिया, कुर्सी पलट दी, और एकदम चीखना चिल्लाना चालू एकदम। और इतने में वो कॉकरोच उड़ गया और इत्तफाक से वही दूसरी लेडी खाना खा रही थी उसके कंधे पे जाके बैठ गया। और जैसे ही उसके कंधे पे बैठा उसने भी मेज को पलट दिया, मारे घबराहट में चीखना चिल्लाना कूदना एकदम चालू, सेम जैसे पहली लेडी ने किया था। और ऐसा करने पे वो कॉकरोच फिर से उड़ता है वहां से, और वहां वेटर खड़ा था उसके कंधे पे जाता है। वेटर एकदम शांत खड़ा रहता है, ना वो चीखता है ना वो चिल्लाता है, वो हल्के हल्के ऑब्जर्व करता है कि वो कॉकरोच उसके बॉडी के किस हिस्से पे जा रहा है, और वो प्यार से बिना रिएक्ट किए हुए उसको पकड़ता है और होटल के बाहर फेंक आता है। इस सिचुएशन से आप ये समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आपको किसी भी एडवर्स कंडीशन में अपने ब्रेन को स्थिर रखना है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा आपसे, आप इस हैबिट को सीख लें। पूरे विश्व में जो सक्सेस का परसेंटेज केवल 5% है और सर्वाइवल की जिंदगी 95% आदमी जी रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा फर्क ये रहता है कि लोग एडवर्स कंडीशन पे अपने ब्रेन को स्टेबल नहीं रख पाते। जब भी आप अपने ब्रेन को स्टेबल नहीं रखेंगे तो आप रिएक्टिव हो जाएंगे, और रिएक्टिव को हम एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। अगर आप किसी भी सिचुएशन में रिएक्टिव होंगे तो
तो वो आपकी पर्सनालिटी को और आपके अपॉर्चुनिटी को और आपकी सक्सेस को खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी। लेकिन अगर आप किसी भी एडवर्स कंडीशन में ठंड रखते हैं दिमाग में, जिम्मेदारी लेते हैं उसको, उसको एनालाइज करते हैं और बेहतरी के लिए काम करना शुरू करते हैं पूरे मोटिवेशन के हिसाब से, पूरे एक्साइटमेंट के हिसाब से, है ना, तो आप प्रोएक्टिव हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव होता है। हम बहुत तेजी से, बहुत जल्दी अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ये मोदी केयर ही नहीं, ये आपके पूरे जीवन में आपके व्यक्तित्व को इतना निखार देगी कि हम आपको बता नहीं सकते। और ये मैं आपको बताऊं, इस पे आपको बहुत मेहनत करनी है। जितने लोग फोरम पे हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, कोई ये ना समझे कि वो प्रोएक्टिव है, सब के सब रिएक्टिव है। कोशिश करिए रिएक्टिव हैबिट से प्रोएक्टिव हैबिट पे जाने की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट, अगर ये आप कर लेते हैं तो मोदी केयर में जीबीडी जाने की 90% सफर केवल इसी हैबिट को चेंज करके ही आप अटेन कर सकते हैं। शालू जी वेलकम, सक्सेना जी वेलकम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनोज चाचा जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे साथ डिबेट में कोई आ सकता है, आ जाए, एनीवन कोई है जो हमसे बातें कर सकता है इस फोरम को आगे बढ़ाने के लिए? जी सर। क्या एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ हाँ बिल्कुल, जाहिद भाई स्वागत है आपका। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, वेलकम सर। सुबह 9 बजे का टाइम मिल जाएगा सर? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, बताइए। 1:1? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम 2:1 हो जाएगा, 1:1, 2:1 हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो सर 9 बजे स्वागत, 9 बजे का स्लॉट फिक्स कर दीजिए सर हमारा। फिक्स हो गया जी आपका 9 बजे, ये देखिए 9 बजे की मोहर लग गई। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ नए लोग हैं सर, चाह रहा हूँ मिलवा दूं आपसे। अरे साहब नेकी और पूछ के, अरे भाई जी बिल्कुल, मेरी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप नए नए लोगों से मुलाकात कराते हैं, नई नई एनर्जी मेरे अंदर आएगी, मेरे अंदर भी नई जोश बनती रहेगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हाँ, तो मैं यही बात कर रहा था कि रिएक्टिव होना और प्रोएक्टिव होना आपके सक्सेस के टाइमिंग को डिसाइड करेगा। ज्यादातर प्रायः हमारे आसपास या हम स्वयं रिएक्टिव नेचर के होते हैं। आप हमसे पूछे सर हमें इस मोदी केयर बिजनेस में जीबीडी जाने के लिए सबसे ज्यादा कहां मेहनत करनी पड़ेगी? सिर्फ 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 एक जगह, कि आपको रिएक्टिव हैबिट को प्रोएक्टिव हैबिट में बदलना होगा। ओके जी, तो हमने 2 कहानियां सुनाई, कुछ आप भी सुनाइए। मैं इतना बोर कर दूंगा आपको, ये है एक एक हैबिट 10-10 घंटे में सिखाऊंगा जी। सर सर वो ना एक सुरेखा भार्गव मैम ने कहानी सुनाई थी, उसमें उन्होंने उसमें बताया था कि एक जगह थी, एक प्रांत था जहां पर के 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था आदमी को, और फिर उसको एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था, और फिर वो आइलैंड पे जो है
मतलब वो आइलैंड बंजर था, उस पे कुछ भी नहीं होता था। चंचौरिया जी ये सब कहानियां मेरे लिए छोड़ दीजिए, सारे काम वही करने लगेंगे जो मेरे जिम्मे पे क्या रह जाएगा। नहीं तो सर हम वो पूछ रहे थे आपसे बस उस कहानी के लिए कि क्या नहीं, क्या वो उस कहानी। टॉपिक नहीं नहीं वो छोड़ दो सर। अच्छा ओके, मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए, मैंने जो रिएक्टिव और प्रोएक्टिव की बात आपसे पूछी, आप अपने मोदी केयर बिजनेस की घटनाओं से मुझे कुछ कहानी समझाएं, रियल कहानी समझाएं। जी सर, जी सर। अब मैंने जो मैंने जो बोला ना, ध्यान रखो ना, विपरीत परिस्थितियों में कब आपका दिमाग गड़बड़ाया और कब आपने अनुभव किया जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको सत्य स्थापित करने के लिए आप अपने अनुभव बताएं या आपने जो अनुभव देखे हैं वो बताएं। ओके जी, किरण जी बताइए। सर आपको याद है मैंने आपको सुबह सुबह एक बार कॉल किया था, मैंने आपसे बोला था मेरे साथ वही इत्तेफाक बहुत बड़ा था जब मैं अपनी मामी जी के घर डेमो दिखाने गई थी, तो उन्होंने जो है बिल्कुल मतलब प्यार से देखा भी नहीं, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग की थी और मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा मतलब हार्ट हुआ मेरे अंदर कि लो मैं उनको दिखाने गई और उन्होंने सही से नहीं देखा, तो इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा हार्ट हुई थी। और बहुत दिनों बाद मेरे समझ में ये चीज आई कि जब हम किसी को कोई चीज दिखाने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उसको इतने प्यार से एक्सेप्ट करे और देखे, तो इस चीज को मैं अब समझ चुकी हूँ कि अगर मैं किसी के घर माने जब मैं यहाँ से सोच के निकलती हूँ शाम को जब 5 का 6 का सेशन होता है और मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद मैं निकलती हूँ कम से कम 1 घंटे के लिए बाहर कि कुछ लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कर सकूँ, कुछ लोगों से बात कर सकूँ, तो उसमें से मान लीजिए मैंने 8 लोगों से बात की और उसमें से 5 तो हाँ करेंगे और 3-4 उसमें मना कर देते हैं, तो पहले जो रिएक्ट होता था सर उससे काफी फर्क पड़ता था, काफी अंदर अफसोस होता था, लेकिन आप जब कोई मना करता है सर तो उसके लिए मैं उसको बड़े प्यार से कहती हूँ थैंक यू सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चली आती हूँ। तो सर बस यही जो आपने बोला अभी सर बस यही मेरे साथ होता। आज भी मैं सर गई थी अभी सीमा जी को लेके, तो मैंने सीमा जी को ये चीज दिखाई, हमने कहा देखिए मैं आपके साथ चल रही हूँ अभी देखिएगा, और मैंने कम से कम यकीन नहीं मानेंगे सर मैं 4-5 लोगों से मैंने रास्ते में बात की और उसमें से 2-3 लोगों ने मना कर दिया, वो मेरा मुंह देख रही थी, हमने कहा देखा आपने उन्होंने मना किया, लेकिन कितना अच्छा लगा मुझे कि क्योंकि मैंने उनसे बात की और 2 लोगों ने हाँ कर दी, फटाक से उन लोगों ने नंबर दिया, बोले 2 दिन तो लॉकडाउन रहेगा तो आप ऐसा कीजिएगा कि मंडे को आइएगा, मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, और एक लोग मुझे रिक्शा पे मिल गई, मैंने उनसे हाय हेलो किया बट उन्होंने नंबर दे दिया, और वो पता सर कहाँ की थी, वो बाराबंकी की थी सर। बात बने तो अब सर नहीं, अब बहुत अच्छा लगता है, तो बस यही फर्क है सर जो है। नहीं तो हमको वो भी बताइए ना जो पहले वाला बताइए ना, पहले क्या क्या लगा था वो भी बताइए ना मुझे सर। अरे बता दीजिए ना किसको किसको गालियां दी, कितने कितनी गुस्सा लगी, कहाँ कहाँ दिमाग गया, सब बताइए, रिएक्टिव दिमाग को भी बताइए। और आज आपका दिमाग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं कई बार बोलता हूँ और शुरू में लोगों को बहुत बुरी लगती है वो बात, मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ आप ग्रुप पे बाद में काम करना, पहले अपने ऊपर काम करो। यहाँ लोग ग्रुप के ऊपर काम करने लगते हैं, अपने ऊपर काम करो। तो अपने ऊपर काम करने का क्या मतलब है, ये ग्रुप पूरा रिएक्टिव लोगों से भरा पड़ा है, पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर है भैया, मतलब ग्रुप पूरा एटम बम होता है, अंगार होता है, आप बिना बात के अंगार पे चढ़ने चले जा रहे हो। 100% रिएक्टिव आदमी होता है ग्रुप के अंदर में, 100%। तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई अपने ऊपर हम काम कर लें। अब वो वही वाली बात हो गई कि आप भी रिएक्टिव और ग्रुप का आदमी भी रिएक्टिव, अब दो दो रिएक्टिव अगर एक साथ में खड़े हुए। मोनिका जी वेलकम, स्वागत है आपको। देवी आत्मा लेशमी चंचौरिया कुछ समझ में आया आपको, टीचर महोदय बेस्ट ट्रेनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस खोपड़ी में घुसा। जी सर, जी सर। हाँ ऐसे कभी ऐसे सब लोगों को किससे याद कर करके मुझे बताने हैं, 10 घंटे यानी अगले 7 दिन तक सबका जीना हम मुश्किल कर देंगे, मेरे को बताने ही बताने हैं, सब लोग मुझको बताएंगे बताएंगे।
और ये मैंने ऐसे टॉपिक पकड़ करके ऐसा घसीटा है इसको कि कि अब उसका एक एग्जांपल बताते हैं। ध्यान से सुनना, प्रीति श्रीवास्तव जी वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। एक एक भारतीय पुरुष या एक भारतीय नारी, मेल और फीमेल, उसको हम भारतीय कह लें, एक भारतीय तीन जापानीज के बराबर होता है। तीन जापानीज के जितनी बुद्धि और जितनी शक्ति होती है तीन जापानीज की, उतनी एक भारतीय में होती है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यानी एक भारतीय का दिमाग कितना ताकतवर होता है जो कि तीन जापानीज के दिमाग के बराबर होता है, और जबकि जापानीज सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। लेकिन जब दो इंडियंस हो जाते हैं सब चौपट हो जाता है सर। अब इक्वेशन को समझिए, मैं क्यों कहता हूं ग्रुप से दूर रहो, मैं क्यों कहता हूं भैया पहले अपने को सुधारो। एक हिंदुस्तानी, एक हिंदुस्तानी तीन जापानीज के बराबर है, लेकिन अगर एक के बगल में एक दो हिंदुस्तानी एक साथ खड़े हो गए तो वो केवल एक जापानीज के बराबर रह जाएंगे। क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे काटते रहेंगे, और कहीं गलती से अगर तीन भारतीय एक साथ हो गए तो जीरो किसी काम के नहीं है, और अगर कहीं गलती से चार हो गए तो जो कुछ भी बना बनाया होगा। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहावत कही गई है, यहां पे अपनी हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग हुई है, हम लोगों को जो बचपन से जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, उस माहौल में प्रोएक्टिव होना सिखाया नहीं गया। पता क्या कहते हैं, अच्छा आने जी तुमरे ऐसी बातें माने तो हम बाबा ही ना बन जाएंगे, हम तो महात्मा बन जाएंगे फिर। बिल्कुल, हमको महात्मा नहीं बनना, हमको इंसान बनना है। अरे वाह, हमारे ऊपर लोग ये इल्जाम लगाते हैं, अच्छा तुम अपनी सोच अपने पास रखो, तुम्हारे जैसी सोच रखेंगे तो हम महात्मा ही बन जाएंगे। नहीं, यहां तक लोग कहते हैं ना, तुम्हारी जैसी सोच रखेंगे तो भगवान ही बन जाएंगे। हमको भगवान नहीं बनना, हमको इंसान बनना है, हमको रिएक्ट करना है, हम रिएक्ट करेंगे, हम डिशुम डिशुम करेंगे। इतनी उनको इसकी जल्दी रहती है कि रिएक्ट करना ही करना है। सर मैं पहले आपसे यही तो कहती थी, आप सर ऐसे महान आदमी है सर, हम नहीं बन पाएंगे आपके जैसे महान सर, हमको इंसान ही रहने दीजिए सर। तो मैंने अपने ऊपर पहले काम कर रखा है, मैंने यही चीज पहले काम कर रखा है, इसी वजह से मैं खुद रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव हो चुका हूं। अब मैं प्रोएक्टिव हो चुका हूं तो मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि मुझे प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अगर मुझे जीबीडी जाना है। मैं भी रिएक्टिव रहूं, अगला भी रिएक्टिव रहे, एक के साथ दोनों मिल गए, धाएं धुई करके दोनों भुस, काम खत्म, नगाड़ा पिट गया। दस घंटे समझाएंगे इसको, एक घंटा नहीं समझाएंगे। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। सर मैं एक बात कहूं? हाँ, कहना ही पड़ेगा। सर आप ये बताइए सर, आपने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है सर? ये सोच मुझे हैरानी होती है। 2006 से 2000 आपको मैं आपको मैं बताऊं कि 2006 तक मैं कैसा था, ठीक है ना? 2006 का मतलब ये हो गया, मेरी एज 2006 में कितनी रही होगी जी, 1966 की पैदाइश है मेरी, 40 साल की उम्र थी मेरी, 40 years, 2006 में मैं 40 साल का था। 40 साल तक मैं बचपन से लेकर के 40 साल की उम्र तक, जब तक कि बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, मेरे सब कुछ हो गया था, 40 साल की उम्र तक मैं बहुत ही खतरनाक इंसान था। सर मैंने आपकी फोटो देखी सर। बहुत, जैसे आपको एक उदाहरण के लिए बताएं, मेरा परिचय अगर जैसे आपने छेड़ी दिया तो मैं कैसे था और ऐसा क्यों हुआ।
अभी तो आप लोगों से जब मुलाकात मेरी हुई है, जिस समय मुलाकात आज से 2 साल पहले हुई है, तब मुझे अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हुए लगभग पूरे 30 साल हो गए थे। उससे पहले मेरा अपना प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस था और 65 लोगों का स्टाफ था मेरा। और मेरे ऑफिस टाइमिंग थे, मैं सुबह 7:30 बजे ऑफिस जाता था, रात के 1:30 बजे आता था। मेरे एक काम करने का तरीका था, इतना मुझे काम करने रहता था। क्योंकि 65 लोगों का स्टाफ था और जैसे मैंने बताया भी है, मेरा कंसल्टेंसी पूरे यूपी में चलती थी, पूरे इंडिया में चलती थी और वियतनाम में भी चलती थी, जर्मनी में भी चलती थी, नेपाल में भी काफी सारे प्रोडक्ट थे। तो एक बहुत ही डायनेमिक फुल फ्लेज कंसल्टेंट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर और अच्छी खासी जिंदगी और बहुत मेहनती, भयानक मेहनती और ईमानदार, नंबर 1। झूठ कभी बोला नहीं हमने आज तक, नीचा किसी को दिखाया नहीं, हसमुख इंसान, घुल मिल के रहते हैं, मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, नेचर ऐसी था। लेकिन कुछ चीजें थी गड़बड़, वही गड़बड़ जो आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, वही गड़बड़, वही टॉपिक छेड़ा। मैं भी रिएक्टिव था क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं था ये बताने वाला कि मैं भी उसी जाल में फंसा था। कि प्रोएक्टिव तो मैं जानते ही नहीं था, मैं तो सोचता था जो महात्मा आत्मा लोग होते हैं जो हिमालय पे रहते हैं, यही लोग प्रोएक्टिव होते हैं, बाकी तो रिएक्टिव ही होते हैं सारा आदमी। तो कोई हमको गरम गरम देता था तो हम खोलता हुआ वापस करते थे, मतलब आप ये समझिए, और इसी में महानता मानते थे हम। कोऑपरेशन के बजाय कॉम्पिटिशन में बिलीव करते थे, हर वो चीज जो प्रतिस्पर्धा होती है, हराओ सबको, एकदम हराने के चक्कर में मेहनत करते थे। आप समझिए, कई लोग मेहनत करते हैं इसलिए मेहनती बन जाते हैं कि वो अगले को हरा दे। अपने को जीतने का एक ही नियम था, दूसरे को हराओगे तो ही आप जीतोगे, और कोई नियम ही नहीं पढ़ा था हमने। और यही पढ़ते पढ़ते हम इतने बड़े हुए, और शायद हमने पुराने प्रोफेशन में जो तरक्की कर डाली थी वो भी इसी पैटर्न पे था, क्योंकि वहां भी सब रिएक्टिव थे, कोई प्रोएक्टिव नहीं होता है, वही सीखा था वही सिखाया था। तो एक रिएक्टिव आदमी की ये होती है, वो अपने को बदलने के बजाय दुनिया में, दुनिया को बदलने की कोशिश करने लगता है। तो जब तक सब बढ़िया चलता रहा तब तक तो सब सही था। और एक चीज और देखी गई, रिएक्टिव आदमी और प्रोएक्टिव आदमी, मैंने कल भी बोला था, प्रोएक्टिव बनने के लिए आपको ईश्वर पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। जब तक ईश्वर का रियलाइजेशन आपको नहीं होगा कि सच में ईश्वर हमारे साथ है, वरना भैया रिएक्टिव आदमी की वो दुर्दशा होती है कि पूछिए नहीं, बुरा हाल है। तो बस ऐसे समझिए कि एक घटना सहारनपुर की थी। मैं सहारनपुर, मेरे पापा पोस्टेड थे और मैं सहारनपुर गया, और सहारनपुर में चूंकि पिताजी वहां पे एज ए कमिश्नर पोस्टेड थे तो काफी अमला जमला था उनका, 2-4 गाड़ियां थी। तो ये हुआ कि चलो सहारनपुर के हिल स्टेशन पे घूम के आते हैं, और बड़ा अच्छा रहता है कि कभी कभी इत्तफाक होता है। तो वो हिल स्टेशन पे कोई नामी गिरामी हिल स्टेशन नहीं था, लेकिन हिल्स थे, बढ़िया मौसम था, गाड़ियां खड़ी होती हैं एक जगह, सभी लोग पितर बितर होते हैं, काफी बड़ा पार्क लॉन था, एक ग्राउंड था, वहीं पे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, और हमको थोड़ा सा हरियाली ज्यादा पसंद है। तो बाकी सब लोग अपने अपने खाना पीने की व्यवस्था हो रही थी, सब होता, हम टहलते टहलते उस चोटी पे था वो, वहां पहुंच गए तो वहां एक बाबा जी बैठे थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो जब भी हरा भरा कहीं होता है, एकांत होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो और उसी पेड़ के चारों तरफ पक्की फर्श बनी थी, वहीं पे वही बैठे थे आराम से धूनी दबा करके, और वहीं जा करके हम भी बैठ गए, और बिल्कुल खाली थे। तो कुछ प्रॉब्लम थी हमको, यानी कुछ प्रॉब्लम थी जो बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर, हम अपना ऑफिस चला रहे थे, सारी चीजें चल रहे थे, तो कभी मौका नहीं मिला था कि इतने एकांत में इतने अच्छे से कहीं मिले। तो अंदर से पता नहीं क्या प्रेरणा आई कि हमने कहा बाबा जी आज बड़े मौके से मिल गए, और हमारा पूरा दिन का टाइम है, मतलब ये लोग सुबह सुबह आ गए, वो दोपहर अभी नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर का खाना भी यही बनेगा, फिर शाम का नाश्ता भी यही बनेगा, फिर रात का भी खाना यही बनेगा, तब ये कमिश्नर साहब की पार्टी यहां से जाएगी, तो पूरा दिन भर का टाइम है। तो आज सोच रहे हैं आपके साथ दिन बिताया जाए, ऐसे अंदर से इच्छा जागी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने ये भी पूछ लिया, हमने कहा आपका कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है? तो उनका नहीं, आज हमारा भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आज किसी को नहीं आना है।
आज मैं भी अकेला ही हूं, और लगभग लगभग दोनों की उम्र बराबर थी, यानी वो भी 40 साल के ही लगभग थे और हम भी 40 साल के। तो कुछ बातें हमने उनसे पूछी, तो उन्होंने कुछ मार्गदर्शन दिया मुझे। कहते ना कि ईश्वर जब तक चाहता नहीं है, तो मेरे बिना निकाले, मेरे बिना प्लानिंग के, वो एक ऐसा समय मिला कि मैं किसी प्रोएक्टिव आदमी के पास पहुंच गया। बोले जिस महात्मा को या जिस ऐसे है, तो वो मेरी एक घटनाक्रम में था। तो मैंने पूरे दिन उनसे बातचीत करी और एक लाइन खींच करके उन्होंने हमें समझाने का पूरा प्रयास किया कि आप, और ये लाइन जो मैं रटता हूं, वो उन्होंने मुझे इतना परेशान किया पूछ के। वो ऐसे पूछते थे, बच्चा ए बच्चा, काबिल तो तुम बहुत हो, बड़े चकचक भी हो, और बातें तो बहुत फर्राटा करते हो, सही बताओ खुश हो? हमको इतनी चूहे कि मतलब बताओ, ये कुछ और बात ना बोलोगे, बस ये खुश हो। सोचिए सुबह से शाम तक उसने एक ही चीज पकड़ा दी, सिर्फ एक चीज, अगर तुम खुश नहीं हो तो कमी तुम्हारी है, बस इतना इतना उस जो उस महात्मा महान आत्मा ने मेरे दिमाग में ये किला ठुका दिया। कहा अगर तुम खुश नहीं हो, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हारी कमी है। और मैंने उसको फेरिस्त पे फेरिस्त बताते गए कि सिचुएशन कि मान लीजिए ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, तो बताइए कैसे खुश रहेंगे? उसका कोनो जवाब नहीं दे, घुमा फिरा के वो इसी बात पे, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हारी कमी है, तुम्हें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। तो उस एक टाइम पे तो ये लगने लगा ये पूरे महात्मा ही है ना, तो महात्मा ही वाली बात करेंगे, तो हमको महात्मा बनना नहीं, हमको इंसान बनना है। तो पूरा दिन हमको केवल इसी पे उलझाए रहे, हर चीज हम कुछ बताएं तो कहें खुश नहीं हूं इसका मतलब। अरे हमने कहा जिंदगी है तो इसमें तो चलता रहता, बोले वो जिंदगी में उतार चढ़ाव बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें खुश हो कि नहीं हो। तो उन्होंने पहली चीज पर फोकस किया कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है आपका खुश रहना, क्योंकि कई लोगों को हमने देखा जिनके पास रुपया पैसा सब कुछ है लेकिन तब भी दुखी है, और कई लोगों के पास हमने देखा कि रुपया पैसा नहीं है फिर भी खुश है। तो खुशी बहुत जरूरी है, और उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि आपको खुश रहने का मार्ग बाहर नहीं है, आपको खुश रहने का मार्ग आपका अपना अपने ऊपर नियंत्रण है। फिर शाम को उन्होंने जाने से पहले कहा आओ तुम्हें हम अपने घर ले चलते हैं। अरे भाई हमने कहा बाबा क्या शादीशुदा है, तुम क्या समझे हम यहां लंगोटा पहने बैठे हैं तो इसका मतलब हम कोनो महात्मा है? तो हमने कहा जी, तो कहा हम राजस्व विभाग में काम करते हैं, हम सरकारी नौकरी में है। गजब, ये तो आपके लिए सरप्राइज हो गया सर। हाँ सरप्राइज हो गया। तो हमने कहा अच्छा, तो हम घर गए भाई उनके, तो उनका भी नीचे घर है हमारा, आओ चलते हैं। तो हम घर गए, उनके दो दो बच्चे, पत्नी और उनकी खुद की सिस्टर और उनकी मम्मी, और सब लोग घर में थे जैसे घर सबका होता है, सब टीवी रखा, फ्रिज रखा, ये रखा, वो रखा। और वो गए वहां पे, उन्होंने अपना चोला बदला और पैंट कमीज पहन के आ गए मेरे सामने, कहा चाय पीते हैं बैठ करके एकदम। तो हमने कहा ये क्या नाटक है भाई? तो बोले कि कुछ नहीं है, बस मेरा घर ही ऐसी जगह पे है कि जहां पे वो पेड़ है इतना अच्छा, तो बस आज छुट्टी थी, आपके पापा भी यहाँ इसलिए आए कि आज गस्टेड हॉलीडे है, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप प्राइवेट काम करते हो, गवर्नमेंट नौकरी में तो हो नहीं, आपके लिए तो संडे मंडे से बराबर रहता है, तो आज गेस्टेड हॉलीडे इसीलिए आपके यहाँ प्रोग्राम बना था, इसीलिए आए थे। तो जब भी हमारे यहाँ हॉलीडे होता है तो हम हॉलीडे के दिन वहीं उसी वेशभूषा में जाकर के अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए आराम से बैठते हैं, और चूंकि आप आ गए थे इसलिए पूरा टाइम हमने आपको दे दिया। तो हमने कहा वो काहे दे दिया? तो बोला जिसके लिए हम तुमको सुबह शाम तक परेशान कर रहे हैं, पहले ये समझ लो वो काम मैंने करके दिखा दिया। खुशी जब तक आप दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए मदद नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगी। तो मैं कभी भी अपनी खुशी को बढ़ाने की टॉनिक
जब भी मिलती है तो मैं बढ़िया से पीता हूँ, और आपको ईश्वर ने मेरे पास भेज दिया, सज्जन इंसान है, अच्छे परिवार से है और बेहतरीन इंसान है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में खुशी ही अल्टीमेट चीज है और उसको बाहर मत तलाशना। बस खुशी अगर चाहिए तो अपने अंदर बदलाव करना। तो वहीं से पहली बार जिंदगी में मुझे किताबें पढ़ने के लिए बोला गया, और उन्होंने ही पहली किताब 2006 में जो उन्होंने दी, कहा इस किताब को पढ़ने के बाद आप हमसे फोन से बात करते रहिएगा। तो 2006 से लेकर के और 2015 तक कितने साल हो गए, 9 साल हो गए। 9 साल हमने हर एक बात उनकी मानी, और हर एक बात मान करके तकरीबन 4.25 लाख रुपए की 4.25 लाख रुपए की किताबें खरीद के मैंने पढ़ा लिया। जी किरण जी, कितनी? 4.25 लाख रुपए की किताबें सर। तो मैं बार बार इतना सर हाँ मैं कह रही थी सर, क्या उन्होंने फिर इतना पढ़ाई की होगी सर, इस सब चीजों का उनको नॉलेज होगा तभी उन्होंने आपको दे पाए। हाँ, उन्होंने कहा मैं इतना धनवान नहीं हूँ लेकिन मैं ज्ञानवान हूँ, मैं रास्ता आपको बताए दे रहा हूँ, तुम जिंदगी में जितना बड़ा काम और जितनी बड़ी तरक्की करना चाहते हो तो ज्ञान का अभाव धरती पे नहीं है, और ज्ञान आप ले लो। तो फिर मैंने ज्ञान संस्कृत में भी लेना शुरू किया, यानी मैंने वो भी ग्रंथ पढ़े जो शुद्ध संस्कृत में लिखे हुए हैं, और उसके लिए मैंने एक आचार्य जी को किया, जिन आचार्य जी को मैं उसका अनुवाद करने के लिए पैसे देता था, और उसकी क्लास रात के 4 बजे से सुबह के 8 बजे तक लगती थी। ओह माय गॉड, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, और वो 2.5 साल मैंने पढ़ाई करी है, प्रातः काल 4 बजे से भोर के 8 बजे तक, 4 घंटे की डेली क्लास, 2.5 साल बिना नागा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि आपको अपने ऊपर इंप्रूव करना है, ठीक है ना, अपने ऊपर, अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को ज्यादा सही करना है, और उसको जब सही कर लेंगे तो आपके अंदर से एक कांति निकलेगी, एक मैग्नेटिज्म आएगा, एक रेडिएशन आएगा, जिससे कि ये कायनात उसी हिसाब से अरेंज कर देगी। देखिए मैं आपको बताऊं, इसका आपको धीरे धीरे अनुभव भी होने लगेगा। अगर आप दूसरे लोगों को सुधारने के ऊपर भिड़ जाओगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा पक्का। अगर आप अपने को सुधारने के ऊपर लग जाओगे तो ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं करी। ये है, और यही वो आदत है कि ये चीज नहीं है। तो मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि मुझे वो बताने का मौका। अच्छा बताइए किरण जी, इतने कितने दिन हो गए आपको मुझसे मिले हुए? सर साल भर हो रहे हैं सर, साल भर हो रहे हैं, और कई बार मुलाकात हुई हमारी आपकी, लगभग होते हैं। कभी आपने हमको ऐसा देखा कि हम बहुत चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, या टेंशन में हो, या मुंह लटका के आए हो, या कभी निराशावादी बात करते हो, कभी आपको ऐसा लगा? नहीं सर, कभी नहीं। तो है तो हम भी इंसान ना, तो ऐसा क्या हो गया? इसका मतलब जो मैंने कर रखा है, जिस चीज पे मैंने महारत हासिल कर रखी है, वही चीज तो मैं सिखाऊंगा ना आपको। जी, तो जी, मैं पहले रिएक्टिव था, मैंने अपने अंदर प्रोएक्टिव को कर लिया, अब मैं प्रोएक्टिव पर्सन हो गया हूं, तो अब मैं इलिजिबल हो गया हूं कि लोगों को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ ले जा सकता हूं। मैं तो मजाक में लोगों को यहां तक कह देता हूं कि भैया आप कोई सिचुएशन क्रिएट करो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, कोई नहीं सकता। मैं कभी भी, जब हम, क्योंकि हमारा आपका, जैसे आपसे मेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं उदाहरण के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं अपनी बेटी को सीएमएस स्कूल में पढ़ती है गोमती नगर में, एक दिन सुबह उसकी बस नहीं आई तो मैं उसको छोड़ने जा रहा था, कार में, गाड़ी में चला रहा था, बगल में वो बैठी हुई थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और हम उसके कॉलेज के पास पहुंचने वाले थे, हम भी करीब 50-60 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे क्योंकि बरसात हो रही, तेजी चल रहे, आगे एक कार जा रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मार दिया, भयानक रूप से ब्रेक मार दिया, इतनी जोर से ब्रेक मारा कि मतलब एक पल को लगा कि बस भिड़ ही जाएगी।
गाड़ी हमारी उसमें, तो हमें भी ब्रेक अचानक से लगाना पड़ा, तो बेटी को एकदम से डिसबैलेंस हो गई और इतने में एक पीछे से कार ने टक्कर मार दी। आगे वाले ने ब्रेक लगाया तो मैंने ब्रेक लगाया, तो पीछे वाला नहीं लगा पाया, यानी आगे वाले ने लगाया जिसको नहीं लगाना चाहिए था, उसके चक्कर में मैंने को ब्रेक लगाना पड़ा, मैं उस गाड़ी से नहीं टकराया, लेकिन पीछे वाला नहीं समझदार रहा और वो ब्रेक नहीं लगा पाया और उसने पीछे से आके मेरी गाड़ी ठोक दी। तो एक बार मेरे ब्रेक लगाने की वजह से मेरी बेटी डिसबैलेंस हुई और फिर पीछे से जब उसने कस के ठोका तो और डिसबैलेंस हो गई। ये बात है 11 की, ये बात है 2011 की। तो बेटी एकदम से गुस्सा, ये क्या तरीका है, ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, उसने देखो गलत ब्रेक लगा दिया, उसने ब्रेक लगा के गलती करी, उसने ब्रेक न लगा के गलती की, आगे वाले ने ब्रेक लगा के गलती कर दी और पीछे वाले ने ब्रेक न लगा के गलती कर दी और वो तमतमा रही एकदम। तो पहले तो वो इस चक्कर में तमतमाई और उसके बाद वो हमको देख के तमतमाई लगी, हमको कहती बाबा जी आपको क्या हुआ। मुझे घर में बाबा ही कहते हैं सब, तो कहते बाबा जी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमने कहा बेटा मौसम बहुत मस्त है और जितना उसने पीछे से ठोका है उसके हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ गाड़ी में कोई डैमेज नहीं हुआ है, केवल बम्पर बम्पर टकराया है क्योंकि वो भी बहुत तेज नहीं चला रहा होगा। मैंने उससे पूछा बेटा आप चाहते क्या हो, तो बोला अरे उसने गलती करी और उसने भी गलती करी, तो हमने कहा वो तो समझ, तुम चाहते क्या हो, तो बोला उन्हें गलती नहीं करनी चाहिए। तो हमने कहा ये तुमको स्कूल जाना है या तुम ये चाहते हो, बोले क्या चाहते हो, कहां के लिए घर से कहां के लिए निकले थे तुम। तो होता क्या है, रिएक्टिव आदमी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने गोल को भूल जाता है और वो बाकी चीजों में बाकी डेटा को एनालाइज करने लगता है, बाकी डेटा को एनालाइज करना उसकी प्रायोरिटी हो जाती है कि नहीं नहीं अभी निपटाइए। तो हमने कहा बेटा आप बताओ, आपके डैडी तो हट्टे कट्टे मजबूत है, क्या करूं, आगे वाले को दो घूसे मारूं और पीछे वाले को भी दो घूसे मारूं, इससे तुम्हारा गुस्सा शांत होगा। तो मैंने क्या किया, मैं गाड़ी से उतरा, अभी आगे वाली गाड़ी भी खड़ी थी और पीछे वाली भी खड़ी थी, आगे वाले से मैंने बोला कि भाई साहब चोट तो नहीं लगी आपको, और पीछे वाले से बोला भाई साहब चेक कर लीजिए आपकी गाड़ी डैमेज तो नहीं हुई है। तो मैं बैठा, मैंने बेटी से बताया सब संतुष्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और चलो तुमको स्कूल छोड़ दें। ये है प्रोएक्टिव। मैं अपनी नई नई गाड़ी, जो मेरे पास गाड़ी है, ये नई नई गाड़ी HL पे ही इसका वर्क शोरूम है, वहीं शोरूम से ये नई नई गाड़ी मतलब फीता उता काट करके, जहां पे मम्मी भी थी मेरी, पापा भी थे, मेरे दोनों बच्चे थे, तीनों बच्चे और मियां भी हम लोग थे और हमारे दो तीन दोस्त भी थे, और वहां से मिठाई उठाई मिलती है कि गाड़ी निकाल रहे, तो वहीं का एक जो मैनेजर टाइप का था, असिस्टेंट था, उसने कहा कि सर मैं शोरूम से गाड़ी बाहर निकाल करके, बगल में पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पंप पे जाके खड़ी कर देता हूँ। भाई उसने जैसे ही गाड़ी बैक करके निकाली तो ये जो यहाँ का शोरूम है वो लगभग रोड पे ही है, एकदम बराबर रोड पे ही है, और उधर से वो टेम्पो वाला आया, जो लोहे वाला टेम्पो होता है, जो तिपहिये वाला नहीं, जिसमें बड़ा गड़गड़ गड़गड़ वाला चलता है, ये बैक करके ला रहे थे और उसने धड़ाम से मारी उस पे और पीछे का अम्फर बम्फर नोचती हुई एकदम फैला दिया। अब काटो तो खून नहीं उस ड्राइवर के, तो आप होते तो क्या करते। सर वही जो आपकी बेटी ने किया। अब तो शायद नहीं करेंगे लेकिन उस टाइम तो बहुत गुस्सा थे। एक्चुअली यही वही मैंने बोला, रिएक्टिव होना नेचर जो है, तो उसमें वो रिएक्टिव होने में क्या होता है, सही गलत के चक्कर में। बोला ये हमको क्या समझा दिया गया था 2006 में, आपका खुश रहना और ये जानना कि सही खुशी क्या है। कई लोगों को लगता है रिएक्टिव होकर के ही खुशी मिलती है, कई लोगों को लगता है अरे वो टेम्पल है, पकड़ो कहां गया, पकड़ो दबाओ उसको, गिरा उसको, जरा लाते मारो उसको कादे से, तब कहते हैं हाँ
अब सुकून मिला, अब ठंडे हुए। हाँ मतलब जब तक चार हफ्ता मार नहीं लिए तब तक भाई कलेजम ठंडक नहीं पड़ी, और फिर जब हम शुरू हुए तो घर वाले भी शुरू हो गए, तब जाके कलेजम कायदे ठंडक पड़ी। अरे सर ये बोलना शुरू करता पीछे से चार लोग और बोलने लगते। हाँ तो हमारी सोसाइटी ने हमको रिएक्टिव में ही खुशी दी है, लेकिन कभी भी आदमी देख अगर कोई आदमी ऐसा करके भी आया है तो क्या हुआ, गाड़ी तो टूटी ही थी, गाड़ी तो टूट ही गई है, वो तो नुकसान हो ही गया है, उसका दर्द तो आपको है ही है, ऊपर से अगर आप किसी अन्य अन्य आदमी को मारेंगे और जबकि आपको पता है कि वो उसके वो कोई भी आदमी जानबूझ करके आपकी नई नई गाड़ी को ठोकने का प्लान बना करके नहीं आता घर से, कि आज आनंद कुमार सिंह की नई नई गाड़ी निकल रही है, वो उनकी गाड़ी बैक हो रही होगी, तब तक हम आज टेम्पो लेके पहुंच जाएंगे, हम जाके उसको ठोक देंगे, ऐसा तो नहीं करेगा ना कोई। नहीं नहीं सर बिल्कुल। तब पहले क्या होता है, ठंडे दिमाग से पूरी सिचुएशन को एनालाइज करिए, क्या ये टेम्पो वाला प्लानिंग करके मर्डर करने आया था, क्या ये टेम्पो वाला मेरा दुश्मन बनाने आया था, इतना टाइम नहीं लेते, इतना टाइम कोई नहीं देगा, वो दिमाग में पहले ही सही सेट है, ऐसा होगा तो ऐसा ही हम कर देंगे। तो प्रोएक्टिव क्या होता है, विपरीत परिस्थितियों में अपने दिमाग को संयम रखता है, पहले उस चीज को एनालाइज करता है कि जो ये सिचुएशन हुई है इसमें क्या किसी का मैल इंटेंशन तो नहीं है, या गलत इंटेंशन से ही तो नहीं किया है, लापरवाही किसी से भी हो सकती है, इसीलिए लापरवाही या अचानक से हुए काम का को ही एक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है ना, कि ये हो गया, एक घटना हो गई, तो क्या कहते हैं, अचानक से आपके आसपास आई परिस्थितियों में बदलाव के समय अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तभी सोल्यूशन निकलेगा। अगर पानी में पानी आपका स्थिर है, आप भगोने में पानी रखिए जो स्थिर हो तो उसमें आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा, वही पानी अगर आप गर्म करने लगिए तो आपको कभी उसमें चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आपका दिमाग रिएक्टिव है तो कभी आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, आपसे गलती हो ही जाएगी, और हमारी सोसाइटी रिएक्टिव होने को बहुत प्रमोट करती है, और यही एक वो लाइन है जो सक्सेसफुल पीपल को अनसक्सेसफुल पीपल से दूर करती है। मोदी केयर की सारी काबिलियत होने के बावजूद भी अगर आप रिएक्टिव, मैं बार बार क्या कहता हूं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो रिएक्टिव हो या प्रोएक्टिव हो, रिएक्टिव इज अ डिस्ट्रक्शन वो आपको नष्ट कर देगा, प्रोएक्टिव इज अ कंस्ट्रक्शन वो आपको बना देगा, तो रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में ये है कि ये फर्क रहता है। तो क्या हुआ होगा किरण जी बताइए, मेरी गाड़ी टूट गई तो मैंने क्या किया होगा, सर हमसे कह रहे हैं, हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, गाड़ी मेरी ठुक गई टेम्पो वाले ने ठोक दी तो मैंने क्या किया होगा। अरे सर मैं नहीं बता सकती सर, उस टाइम सर कब की बात बता रहे सर, कौन सा सन था उस टाइम, अगर 2000 तो सर आपने कुछ नहीं किया होगा सर, 100% गारंटी आप कुछ नहीं बोले होंगे। तो मैं गया, मैंने टेम्पो वाले से बोला कि तुमने बहुत बचा लिया यार, थैंक यू, वाओ तुमने बहुत बचाई, तुम बहुत बेहतरीन ड्राइवर हो, अचानक से गाड़ी बैक होके सामने आ जाती, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं तुम्हारे इतना काबिल नहीं था, नहीं तो मैं तो सीधे ही बिल्कुल बीचों बीच दरवाजे में ठोक देता, लेकिन तुमने क्या जबरदस्त गाड़ी चलाई है यार, बचाया है, बहुत कम नुकसान हुआ है, शुक्रिया। वो चरणों पे लौट गया भाई, बोला सर क्या बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सर कोई भी इंसान हो इसी तरह रिएक्ट करेगा सर, कि मतलब आपने हाँ, कुछ काम नहीं, तो हमने कहा यार चलो वो सब छितर बितर हो गया, उसको बटरवाल तो लो चल के ढक्कन पक्कन निकल गया है, अब सोचो हम वो तो दोस्त हो गए नहीं, अब वो आया उसने एक एक नट बोल्ट जो भी बोला सर, तो हमने कहा कान में कहा तुम काय फिक्र करते हो, इंश्योरेंस है इसका, गाड़ी तो आज फोटो तो खींची गई है, गाड़ी 3 दिन बाद ले जाएंगे, अभी ये निकली है बैक हुई, अभी ये फिर अंदर चली जाएगी,
इंश्योरेंस की पर्ची कट जाएगी, 100 रुपया जमा करना पड़ेगा हमको, तो तुम हमको 100 रुपया दे दोगे कि नहीं दे दोगे? समझते रहिए हमने क्या कहा। बोला आपसे शर्मिंदा कर रहे हैं। हमने कहा नहीं, अंदर रसीद कटवा दो बस। हमने कहा रसीद कटवा दो, जो पैसे पड़ेंगे वो तुम दे देना। तो गया साथ में, हमने कहा सीख भी लो कैसे इंश्योरेंस होता है, तो डरने वाली बात नहीं है। तो अंदर गया और उसने तो जो इंश्योरेंस का, अरे सर ये तो प्लास्टिक टूटी है, प्लास्टिक का इंश्योरेंस थोड़ी ना होता है, ये बहुत गड़बड़ बात है। तो हमने कहा हमको क्या पता होता है कि नहीं होता है। तो उसने कहा साहब ये एप्लीकेशन का 100 रुपया नहीं, इसमें 175 रुपया पड़ेगा, जो भी पड़े वो दीजिए। तो ये घटना हुई। उसके बाद किरण जी ने हमको अपने घर बुला लिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। वो गाड़ी 3 दिन बाद हमको मिल गई, अभी नई नई गाड़ी है, 3 दिन बाद गाड़ी मिली हमें, और हम उस गाड़ी पे पूरे परिवार को बिठा करके इंदिरा नगर की सड़कों पे घूम रहे थे। तभी अचानक से हमको ख्याल आया कि किरण जी से मिलने चलते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, एक जानने वाला क्या। और हम पहुंच गए जानकीपुरम, और किरण जी के घर के सामने हम गाड़ी लगा दिए, और किरण जी जो है अपने फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में खड़ी थी, और जैसे ही देखा बोला अरे सर आप आ गए, और वो इतना खुश हो गई कि उसी बालकनी पे गमले रखे थे और उनके हाथ से एक गमले को ठोकर लग गई। अब वो सीधे आके आगे वाले शीशे में भच्च से गिरा और मेरा शीशा चकना। ये छठे दिन की बात है। अब क्या किया जाए? आपने देखा होगा कई लोगों को क्या हाल हो जाता है उनका। नहीं आप सोचे कई लोगों का कितना बुरा हाल हो जाता है कि वो किसी के यहाँ जाए हैं और उन्हीं के बाउंड्री के पास में गाड़ी लगाएं और वो इतने खुशी खुशी ऊपर से करें। और कुछ लोग रेलिंग के ऊपर गमले रख देते हैं ना, रेलिंग के ऊपर गमले रखते, भारी भरकम गमला था, अब भचाक से गिरा करके और शीशा गया आगे का पूरा, चकना चूर हो गया। जी सर सही कह रहे हैं बिल्कुल। सवाल ये है कि आप तत्पर रहिए, एग्रेसिव रहिए, तेज रहिए, खुले दिमाग के रहिए, अपनी काबिलियत रखिए, लेकिन जब भी कोई घटना हो तो अपने दिमाग को स्थिर रखिए और स्थिर रख करके तब निर्णय लीजिए कि क्या करना है। ऐसे में कोई मेहमानी नहीं करता, फिर कोई मेहमान नवाजी नहीं करता, फिर तो गमला और सीसा और हाय दादा और हाय दादा यही होता। तो मैंने बोला किरण जी से, अरे किरण जी तुम्हारा गमला टूट गया यार, मतलब बताओ हद हो गई। ओहो चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं। तो मैं टूटे हुए गमले से जो पेड़ था उसको आराम से निकालने लगा, और मैंने कहा किरण जी पॉलिथीन लेकर के आओ तो इसमें रख दिया जाए इसको आराम से, जिससे नया गमला लेकर के तुम जो है इसको लगा लेना करने के लिए। अब वो ऐसे में जो अगला आदमी वो परेशान, अरे सर आपका शीशा टूट गया ये। तो मैंने कहा नहीं मेरा शीशा नहीं टूटा है। तो बोले नहीं सर वो गाड़ी तो आप ही की। हमने कहा नहीं गाड़ी तो हमारी है लेकिन वो लोहे और कांच की है, उसका कांच टूटा है, मेरा कुछ नहीं टूटा है। मैंने कहा सुना तुमने कुछ दही बड़े वड़े बनाए थे हमारे आने पे खुशी पे। बोले हाँ सर वो तो बने रखे। तो हमने कहा चलो दही बड़ा खिलाओ हमको, चाय पिलाओ, ये शीशा उसा तो टूटता रहता है, फिर बदल जाएगा, कोई बात नहीं। सर इतना पता है सर, ऐसा अगर किसी के साथ करना तो बेचारा शर्म खा के जितना भी नुकसान हुआ है वो तो अपने आप ही भरपाई कर देगा सर। सवाल ये है नहीं है कि अगला क्या करेगा, सवाल ये है ऐसा करके आपको रात में नींद अच्छी आएगी, आपकी असली खुशी यही है। और मैं कई बार आप लोग से हमेशा यही इसलिए कह रहा था कि मुझे एक चीज मालूम है, अच्छे से मालूम है कि ईश्वर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसी परिस्थितियां भेजेगा जो बहुत खराब होंगी और बहुत अच्छी भी होंगी। एक्चुअली हमको अच्छी परिस्थिति अच्छी लगती है, अच्छे लोग अच्छे लगते हैं। हमको बुरी परिस्थिति और बुरे लोग जब मिलते हैं तो उस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए ये नहीं सीखा हमने कभी, इसलिए हमको वो अच्छा नहीं लगता।
हमारे पापा जो हैं एक बार बहुत ज्यादा हमसे इसी मेरे व्यवहार पे परेशान हुए। हमारे पिताजी गुस्सा करते हैं बहुत, और 2006 तक हम भी उनके जैसे थे, तो हमारी उनकी बहुत पटरी खाती थी। जैसे एक गुस्सा करने वाला आदमी हो ना, वैसे दूसरा गुस्सा करने वाला आदमी हो तो उसकी पटरी बहुत खाती है कि हाँ चलो ये भी है। और 2006 के बाद में हम खुश रहने लगे। अच्छा, पिताजी गुस्सा करते थे तो टेंशन में भी रहते थे, तो बीपी भी हाई हो जाता था, उनका शुगर भी बढ़ गई उनकी, और बड़ा 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 तो, और पहले हम भी गुस्सा करते थे तो मम्मी कहती थी जैसे बाप वैसे लड़का, दोनों डाहे हैं हमका, जिंदगी नरक के हैं, ऐसे ही बोलती थी। 2006 के बाद हमने जो है खुशी की तलाश में हम पड़ गए, हमने कहा खुश रहना है। तब भी मैं बोलता हूं मैं खुश रहता हूं और लोगों को खुश रखता हूं, बस मेरा और कोई काम नहीं है, मेरा एक ही काम है, खुद खुश रहूंगा और लोगों की जिंदगी में खुशी भर दूंगा और उनको खुश देखूंगा, बस यही मेरा मकसद है, मेरे जीवन का ये मकसद है, खुश रहना, लोगों को खुश रहना, खुद खुश रहना, लोगों को खुश रहना। अब वो फंस गया, तिकड़ी फंस गई मेरे पिताजी के साथ में, कि अब वो जो है वो बात ही करना बन गए, मैं तुमसे तो बात ही नहीं करने वाला। मतलब वो पहले ही बता देते थे, जैसे घर में कोई घटना हो तो कहेंगे अच्छा है ये नहीं थे, अभी ये रहे होते है ना तो कुछ और ही माहौल। उदाहरण के लिए आपको बताएं, उदाहरण के लिए अभी की बात बताते हैं, अभी अभी मतलब इसी महीने की, महीना जो चल रहा है जुलाई, अभी 5 दिन पहले हम पिताजी से मिले, तो वो अपने इंदिरा नगर में गैस के पाइप का कनेक्शन हो रहा है, घर घर में गैस का पाइप लग रहा है, तो पाइप से गैस आएगी, वो वाला कनेक्शन अच्छा। हो रहा है, हाँ वो वाला कनेक्शन हो रहा है, तो उसका वो जमीन के अंदर गड्ढा खोद रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे गड्ढा खोद रहे हैं। तो एक दिन हम चाय पी रहे थे बाहर बैठे, और तभी हमारे घर के सामने साबल से 4-6 आदमी आकर के हथौड़ा फावड़ा जुट करके एकदम पक्की फर्श बनी है मेरी, RCC की फर्श बनी है, उस पे एकदम घन चलाना शुरू कर दिया। और जब तक हम कुछ समझ पाते जब तक 4 फीट बाई 2 फीट का और 4 फीट गहरा गड्ढा खोद डाला। अरे मैं अब फिर मैंने क्या किया होगा, मैं गया, मैंने कहा यार तुम सब इकट्ठा इतना जुट गया, इतनी ऐसे गर्मी के मौसम में प्यास वास नहीं लगती है, तो भाई बोतल वोतल दिख नहीं रही, पानी वानी कहां तुम्हारा भाई। अरे बोला साहब वो हमारा मेट वो मैनेजर जो है वो बहुत बेकार आदमी है, जल्लाद है बिल्कुल, हमको ये करता। हमने कहा ये तुम खोद काहे डाले ये सब। अरे बोला वो सब पाइप पड़ रहा है तो साहब 10-10 फीट पे सब खोदना है। तो हमने कहा पूछताछ भी नहीं करी कि मालिक के घर पे कहीं, वो हमको बताया है पूछताछ का नहीं करना, सीधे खोद ही डालना है, यहाँ पूछताछ नहीं है किसी से, तो उनके घर में थोड़ी खोद रहे, वो सरकारी जमीन है। तो हमने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, तो हमने कहा कोई जरूरत हो तो बताना। तो कहने साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो हमने कहा क्यों, तो बोला इतने प्रेम से तो यहाँ कोनो मोहल्ले में बात ना किया हमसे। तो हमने कहा मतलब, तो बोले जिसके घर के सामने हम बेलचा रखे वो गाली ही दिया है हमको, तो यही करा जल्दी से अपना अपना त्रिझाम उठाओ और भाग जाओ यहाँ से। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, मेरा मोहल्ला बहुत अच्छा है, मोहल्ले में बहुत लोग, तुम ही लोग कुछ गड़बड़ किए होगे, प्यार से काम करो तो कुछ नहीं होगा। तो भाई पानी भी पिलाए उनको हम, मतलब मेरी मेरी RCC खोद डाले हैं, पानी भी पिलाए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंसानियत का काम कर रहे हैं, उसके दो पहलू ना जी सर। और रात में वो आके बोले साहेब, हमने कहा क्या, कहीं साहेब ये बेलचाओ फरुआओ ये जो है वो दुरमुट ये सब साहब आपके घर में रख दे, सवेरे फिर काम करना है यहीं पे। तो हमने कहा अच्छा, और कहा साहब 3 घर में बोल के आए हैं और तीनों जगह गरिया भगाए गए हैं, तो हमने कहा फिर भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं यार, चौथी जगह तुम आ गए। बोले हम चौथी जगह नहीं आए, हमको कहीं जाने नहीं चाहिए था, हमको तो आप ही क्या पहले बात करनी चाहिए थी। हमने कहा वो कहा है, बोला आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप रख लेंगे हमको मालूम है। हमने कहा यार ये भी बात सही है, रख लिया भाई। अब वो हमारे घर से काम करते करते वो पप्पा के घर के सामने पहुंच गया,
गड़बड़ा गया वहां, रिएक्टिव, परमिशन दिखाओ, परमिशन दिखाओ, पहले बॉस को बुला के लाओ, पहले अपने मैनेजर को बुला के लाओ, और गुस्से में एकदम कुर्सी मंगा के बैठ गए बाहर, कुर्सी मंगा के बैठ गए, फिर मेज मंगा के बैठ गए, फिर कलम दवात सब बाहर ही दफ्तर लग गया कि है कौन कंपनी, कैसे मान ले, कैसे यकीन कर ले। हम गए, हमने कहा पापा क्या चल रहा है, अरे कहा बताओ ये बिल्कुल ऐसे ये गड़बड़ सड़बड़ कर रखा है। तो हमने कहा पिताजी आप अंदर जाइए, कोरोना का मौसम चल रहा है, ये सब आई पाइप के चक्कर में कोरोना घुस जाएगा भाई, कहां आप इसके चक्कर पड़े हुए। उनको समझाने के लिए कुछ नहीं, तो बताना ये हम चाह रहे थे कि ये ध्यान रखिएगा कि जो रिएक्टिव की आदत है ना, ये इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जोक की तरीके से है, जो आपका खून चूस रही है, जो आपकी खुशी चूस रही है, इस आदत को अपने शरीर से निकाल के फेंक दीजिए। ये बिल्कुल जोक की तरीके से है, जो आपको कभी भी जीवन में खुश नहीं रहने देगी, बूंद बूंद खुशी के लिए तरसेंगे आप। रिएक्टिव की आदत छोड़ दीजिए, प्रोएक्टिव बनिए, छोटी छोटी चीजों पे अटकना छोड़ दीजिए। हाँ देखिए, उसी सिचुएशन में रिएक्टिव आदमी अपना विध्वंस देखता है, और उसी सिचुएशन में प्रोएक्टिव आदत अपनी ग्रोथ देख लेती है, ये फर्क हो जाता है। यस सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मुझे याद है सर, जब हम लोग नए नए थे तो उस टाइम मेरे घर की भी सिचुएशन काफी खराब थी सर। जब मैं ऑफिस जाती थी, आपसे डिस्कस करती थी, तो सर आप बस एक ही बात कहते थे, अपने ऊपर काम करो, दूसरों को नहीं कहना, बस अपने को देखो, बस अपने को देखो। या हस्बैंड की कोई बात होती थी, आपसे शेयर करती थी, तो आपने बस यही कहा, अब खुद पे काम करो, उनको कुछ मत कहो, उनसे कुछ मत बोलो। सर आपके कहे अनुसार चले सर, काफी चेंजिंग आ गई सर। नहीं, हमें बताओ सर, अब तो आप इतने बड़े हो गए हो किरण, आप भी अनुभवी हो, मैं तो ये देखता हूँ पूरा दुनिया छान मारो, कहीं मियां कहते बीबी बदलने, बीबी में बदलाव के लिए लड़े पड़े हैं, बीबी मियां के अंदर बदलाव। मैं कह रहा हूं कभी किसी ने बदल लिया हो तो उसका कोई रिकॉर्ड दे दे मुझे, आज तक तो रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी को नहीं बदल पाया, और पूरे जीवन इसी में है, और उसके बाद में कहेंगे मतलब कई लोगों को दुखी होने पे शांति मिलती है, भैया गजब के लोग हैं। जब तक उनका मूड पिरा ना जाए, जब तक खैयस कर ना ले, जब तक हाय हाय हो ना जाए, तब तक उनको नींद नहीं आती। तो हमको नहीं करना है। देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मोदी केयर बिजनेस में थोड़ा सा आपको अपना काम करना है, वो ये है कि आप प्रोएक्टिव रहें, रिएक्टिव मत रहें, तो उससे आपका ग्रुप अच्छे से चल जाएगा, बहुत अच्छे से चल जाएगा, और आप अपना काम कर लेंगे। देखिए अगर आप रिएक्टिव रहेंगे तो अपनी लेग नहीं लगाएंगे, आप प्रोएक्टिव रहेंगे तो अपनी लेग लगा लेंगे। आप मोटा मतलब बता दें आपको, अगर आप रिएक्टिव रहेंगे तो आप काहिल हो जाएंगे, अगर आप प्रोएक्टिव रहेंगे तो जिम्मेदारी लेकर के अपनी लेग लगा लेंगे। हर वो लीडर जो जीबीडी जाएगा वो प्रोएक्टिव होगा तभी जाएगा। हम तो कहते हैं ना देसी में, खून के घूंट पीने पड़ेंगे आपको, तब आप अपनी लेग डेफ्थ में ले जा पाएंगे, क्योंकि आपके आपके व्यवहार का वहां सबसे ज्यादा काम होगा, आपकी काबिलियत का काम नहीं होगा, आपके व्यवहार का काम। व्यवहार अच्छा होगा तभी डेफ्थ में जाएगी लेग आपकी। आप लालच कर रहे हैं, मतलब एक डाउनलाइन आपके सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहा है और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं डर के मारे कि कहीं वो चली ना जाए। डाउनलाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, द सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। डाउनलाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो डाउनलाइन सिस्टम को कैरी करे वो इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार यही बोलता हूं कि वो है, तो डाउनलाइन से कुछ क्लियर नहीं होता मुझको। सिस्टम को समझने के लिए, सिस्टम को फॉलो करने के लिए, सिस्टम की तरफ जाने के लिए जो तैयार है वो डाउनलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पॉइंट। तो मेरे और आपके लिए तो एक ही चीज है, तो यही है। आज पहला दिन खत्म हुआ है, अभी 6 दिन लगातार हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसे सात टॉपिक हैं, ठीक है ना,
तो सेवन इंटू सेवन कितने हो गए 49। अगले 49 दिनों तक का